कई लोग ना बहुत बढ़ा चढ़ा के, अरे मैम आपको तो ये कॉलेज मिल जाएगा बेटे को बच्चे को आपके, आपकी तरफ से मुझे वैसा कुछ नहीं लगा, मतलब बहुत जेन्युइन हमेशा मुझे ये लगा कि जो है ये समझना कि जो जेन्युइन उस स्कोर पे अवेलेबल है, आपने उसके अलावा मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वेलकम टू माई केयर माई फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो आज की जो सक्सेस स्टोरी हम जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, सो आज हमारे साथ हैं यश डागर की मदर। और यश ने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद आज बहुत सक्सेसफुली एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिला। मैम थोड़ा सा आप लोग पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में और उसके बाद फिर यश के स्कोर के बारे में और फिर यश को कौन सा कॉलेज मिला उसके बारे में, फिर बाद में जर्नी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा पंचकुला, एंड मेरे हस्बैंड पंजाब में जॉब करते हैं पिछले 25 इयर्स से, तो हमारा तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस था इसी वजह से। और बेसिकली हम लोग यूपी से हैं और ये उसका सेकेंड ड्रॉप था सर। लास्ट जी और अच्छा था, लास्ट ईयर जब काउंसलिंग हुई थी तो मैं बहुत इन्वॉल्व थी काउंसलिंग में, तो उस समय से आपके वीडियोस देखा करती थी सर मैं यूट्यूब पे, बट मैं बहुत और भी काउंसलर्स हैं जिनके यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, तो तब मुझे लगता था कि मैं जब आपको सुनती थी तो मुझे लगता था कि मतलब ही इज अ जेन्युइन पर्सन जो हमें सही गाइड कर सकता है। जी 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 जब मैंने आपको मतलब ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे MCMF को ज्वाइन करना है, मतलब मैंने स्कोर आपको बता ही दिया था कि इसके बीच के का स्कोर रहेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे किसी भी आदमी से मिलते हैं ना तो आप कई लोग ना बहुत बढ़ा चढ़ा के, अरे मैम आपको तो ये कॉलेज मिल जाएगा बेटे को बच्चे को आपके ये मिल जाएगा, तो ये जो मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना जो है ना, आपकी तरफ से मुझे वैसा कुछ नहीं लगा, मतलब बहुत जेन्युइन हमेशा मुझे ये लगा कि जो है ये समझना कि जो जेन्युइन उस स्कोर पे अवेलेबल है, आपने उसके अलावा मुझे कभी कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात ये है कि सर मुझे एक चीज ये भी लगी कि मतलब ये जो जबरदस्ती वाला सपोर्ट होता है ना कि नहीं नहीं ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हमें कई बार परेशान करता है ये वाला, राइट बाद में हमारी एक बार कोई एक्सपेक्टेशंस ऊपर चली जाती है, राइट आती है तो फिर परेशानी आती है। और एग्जैक्टली वो बात लगी मुझे कि जैसे कि जब हम पहली बार मिले थे तो आपने आपको मैंने बोला था सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए एजुकेशन मैटर करती है कि मेरा बेटा किस कॉलेज में पढ़े, उस कॉलेज की रेपुटेशन उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर करती है, तो ये चीज को फर्स्ट मोमेंट में समझ जाना कि क्या चाहिए। तो हमारी बातचीत हुई, आपने मुझे बोला कि अगर कर सकते हैं तो ये कॉलेजेस अच्छे जैसा आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, तो ये आपने मुझे सपोर्ट किया। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि पेरेंट क्या चाहते हैं उनकी उस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत जरूरी होता है काम। तो बहुत सारी चीजों को समझना, वो पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझना और उसके साथ साथ स्कोर को समझना, उसके बाद फिर बच्चे को उसके हिसाब से गाइड करना एक, क्योंकि जब आपका एज ए काउंसलर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको मिनटों में समझ आता है कि ये स्कोर ये बजट हमारे को कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राउंड में चांसेस बच्चे के हमारे बन सकते हैं, ताकि उसी को जेन्युइनली बात करें, बड़ा चला के बात करेंगे हमें पता वो मिलना नहीं, बाद में पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन उसकी सेट हो गई तो बहुत अजीब हो जाता है। फिर बिल्कुल उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक तो पेरेंट्स को फिर कॉम्प्रोमाइज करना वो लगता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एट द सेम टाइम पेरेंट्स के मन में ये भी आता है कि अरे क्या काउंसलर से इनको पता नहीं, पहले तो कहते हैं ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा और अब कह रहे हैं कि ये मिलेगा ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जो एक्चुअल सिचुएशन थी आपने मुझे वो बता दिया था। जी जी मैम थैंक यू वेरी मच। तो आप इस जर्नी को सपोर्ट के हिसाब से कैसे देखते हैं? सर मैं तो कहूंगी मुझे आपकी तरफ से तो पूरा सपोर्ट मिला, और एज मतलब हम जानते ही हैं कि हमारा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था जब से वहाँ पंजाब में गवर्नमेंट चेंज हुई, तो सब बहुत अजीब सा हो गया था क्योंकि मेरे बेटे ने परमानेंट एड्रेस हमने नीट के फॉर्म में नहीं भरा था, एंड उसका बर्थ भी पंजाब का नहीं था यूपी का था, मतलब हमारे पास डोमिसाइल था और उसका एजुकेशन भी पंजाब से था, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्स होके अजीब सा ही हो गया।
और मुझे मतलब मैं उस समय सोच रही थी कि पहले मुझे ऐसे लगता था कि जैसे लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग में काफी इन्वॉल्व रही मैं यश के साथ, तो मुझे लगता था कि हम कर लेंगे, लेकिन इस साल जब नई गाइडलाइंस आई तो हमें लगा, और हम मेरे बेटे का सेकेंड अटेम्प्ट था तो मुझे लगा कि हम मतलब कोई चांस नहीं मैं लेना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी था एक बार को, उन्होंने बोला मुझे कि तुमने पिछली बार अच्छे से किया है तो क्या जरूरत लग रही है, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ भी मतलब कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट रहना जी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए कॉलेज बहुत मैटर करता था। आपको जी याद जी होगा जब मैंने आपको पहली बार हम मिले थे तो सबसे पहली बात मैंने आपको यही बोली थी कि सर मेरे लिए एजुकेशन मैटर करती है, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जिसमें एजुकेशन अच्छी हो, क्योंकि यश का गवर्नमेंट वाला स्कोर नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छा रेपुटेबल स्कोर था उसका। अगर जी आपसे मैंने बात नहीं की होती उस समय, हम नहीं मिले होते या हमने आपसे बात नहीं की होती तो हमें ये डिसीजन लेने में टाइम लगता। मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया और कि डिसीजन लेने में टाइम लगता। मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, और क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे पेरेंट्स और भी आगे चल के देखेंगे, हर साल रूल्स बदल जाते हैं। क्योंकि आपने पिछले साल जब काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया तो आपने अच्छी तरह पंजाब की काउंसिलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, हाँ आप जी सर, एलिजिबल मुझे थे। ऐसे ही लगा कि हम चूके हो, लेकिन जब नए रूल्स आए तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी। अब आपको मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि जो हमने टाइमली स्टेप लिया और जिन पेरेंट्स ने टाइमली स्टेप नहीं लिया उनके साथ क्या हुआ, मैं इसके वीडियो के थ्रू वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमने जैसे ही देखा कि पंजाब के अंदर जो ये नए रूल्स आ गए कि 6696 के जो बोनाफाइड वाले रूल्स से बच्चे को वो भी सेटिस्फाई करने हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट तीन कंडीशन जो आ गई उन तीन में से एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी थी, वो ये कि या तो जो नीट का फॉर्म भरा था उसमें पंजाब एज ए स्टेट भरा होता, या उसका बच्चे का 10th और 12th पंजाब का होता, या बच्चे का प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब होता। हाँ क्योंकि अब जैसे अपने केस में नहीं था, ऐसे और बड़े सारे केसेस में नहीं था। कुछ पेरेंट जो काउंसलर की सपोर्ट नहीं ले रहे थे, अपने आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आई विल नॉट नेम दी पेरेंट्स ओवर हियर बिकॉज वो पेरेंट्स मेरे साथ बहुत लास्ट मोमेंट पे आए, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा क्या रहा। वो उन लोगों ने अब उनको कॉलेज अलॉट हो गया बिकॉज मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा था, कॉलेज उनको अलॉट हो गया, वो सक्सेसफुली अलॉट हो जा रहा था। वो जब कॉलेज अलॉट हो गया उन्होंने मैटर डाल दिया कोर्ट के अंदर, डाल दिया मैटर चला हाई कोर्ट के अंदर। और देखिए कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो टाइम लेती है, टाइम लेकिन लेती काउंसलिंग नहीं रुक रही, काउंसलिंग अपनी स्पीड से चलती जा रही है, राउंड 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 निकलते जा रहे हैं। राइट, अब जब इधर से पूरे हिंदुस्तान के मॉपअप राउंड खत्म हो गए, उधर से हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जो ये मामले के ऊपर जो डिसीजन लेना है वो डीएमईआर को ही लेना है। जो डिसीजन डीएमईआर लेगी वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। डीएमईआर तो वही बॉडी है जिसने ये रूल बनाया था, है। हाँ उसने जी तो बोला वही रूल चलेगा। अब क्या हुआ, उस बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था, उसको जीएमसी पटियाला अलॉट हो चुका था। राइट, मॉपअप राउंड में वो कॉलेज तो गया ही गया, उसके अलावा उस बच्चे को दिल्ली के अंदर कोई और बढ़िया अच्छा कॉलेज मिला हुआ था, वो एक प्राइवेट डीप यूनिवर्सिटी थी, लेकिन क्योंकि उसने उसमें रिपोर्ट नहीं किया था, और क्योंकि नया रूल ये कहता है कि अगर आपने मॉपअप राउंड के अंदर उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। अब उस बच्चे का पूरा साल इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद वो केस हार गए, और दूसरा वो मॉपअप राउंड में रिपोर्ट नहीं किया, पूरा का पूरा साल जो वो खराब चला गया। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट मैं माइनस देखता हूँ तो वो ये था कि कोई काउंसलर उनको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए नहीं था। मैं इसी के लिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं हमेशा आपको इस बात का धन्यवाद देती हूँ, और मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेशन करा और कहीं कोई चूक नहीं हुई हमसे, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकती थी कि मैं तो अच्छे से काउंसलिंग को समझ चुकी हूँ और मेरा बेटा भी मतलब समझ लिया है उसने काफी कुछ, हम कर सकते हैं दोनों। बट ओवर कॉन्फिडेंट ना होके मुझे लगा नहीं रूल्स चेंज हो रहे हैं और मेरे पास ये जी लास्ट अटेम्प्ट है मेरे बच्चे का, इसके बाद नहीं जी देंगे, मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। बीइंग अ काउंसलर हम लोग समझते हैं, हमें पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे टाइम टेकिंग है, और इन टाइम के अंदर सिर्फ अगर हम जाएंगे फाइनल डिसीजन जो है, हमें भी पता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, पेरेंट्स कहाँ स्टैंड करते हैं, और जो जो रूल बनाने वाले जो काउंसलिंग कमेटीज हैं, जो बॉडीज हैं, स्टेट कहाँ स्टैंड करती है, जो स्टेट है वो ऑलरेडी बड़ी लीगल एडवाइसेस को लेकर ये सोच के कि वो हारेंगे या जीतेंगे, बड़ी सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही रूल को लेकर आती है। तो हाँ जी ऐसे में पेरेंट्स का उस रूल के अगेंस्ट जाके जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर निकल गया तो हम जैसे उस बच्चे के साथ हुआ फिर हम कहीं के नहीं रहते। सो इसलिए मुझे लगता है कि एक जो उस टाइम की जो हमने दी एडवाइस थी और जो आपने एडवाइस ली, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उस वजह से हमारे बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिला। मैं आपके मुझे सुनना चाहूंगा, अब हमारा बेटा कौन से कॉलेज में है?
है वो अभी केएमसी मणिपाल उसको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में ही। एग्जैक्टली, हर इंस्टीट्यूशन का एक अलग इतिहास है, अलग हिस्ट्री है, कहीं पर डाउनफॉल आता है और कहीं पर जो है वो शूट अप करती है। फिर उसके बाद एक चीज और है, जब आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल जाता है आप अगली काउंसलिंग के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि नाउ यू हैव गॉट द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। एक दूसरे के आमने सामने बैठ के नहीं बात कर पा रहे हैं, तो उस कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, सभी कुछ जी ठीक था। आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिली, उसके लिए जी मैं थैंक यू बोलती हूँ सर नहीं, आपको। मैं ऑलवेज वेलकम। कि और मैं मैंने जो वीडियो अच्छा देख रहा हूँ, पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि एक जेन्युइनली हम सोचते हैं, कि हम समझते हैं जो बच्चे का स्कोर है, पेरेंट्स का जो बजट है, या पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, कौन कौन सी सिटीज में, कौन कौन से स्टेट्स में हम जा सकते हैं, उसके हिसाब से ही काउंसलिंग की सपोर्ट हम एक डिवाइस करते हैं, कि मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं कि ये अगर ऑल इंडिया कोटा है तो कहाँ बन सकते हैं, अगर कर्नाटका है तो कहाँ पर, पंजाब है तो कहाँ पर। सो बहुत सोच समझ के हम बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड करते हैं, ताकि बच्चा पहले बार में ही, पहले राउंड में ही बिल्कुल बच्चे को वो कॉलेज मिल जाए जो बच्चे के, एक ड्रीम कॉलेज हो बच्चे का। सो थैंक मैम, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन यश के इस यू। एडमिशन के ऊपर। हम ये विश करते हैं, पूरी टीम हमारी, माई केयर माई फ्यूचर की, कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए और सोसाइटी हेल्प करे। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, हम एक दुआ करेंगे सबके बच्चे जो हैं अच्छे तरक्की करें, अच्छे कामयाब हो फ्यूचर में। सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर योर टाइम।